हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं। एलसीएम और एचसीएम चैप्टर का यह लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने गुणज, अपवर्त्य, एलसीएम की डेफिनेशन और एलसीएम ज्ञात करने की विधियों की चर्चा की। दूसरे लेक्चर में हमने दशमलव संख्याओं का एलसीएम, भिन्नात्मक संख्याओं का एलसीएम और घातांक वाली संख्याओं के एलसीएम की चर्चा किया। आज के लेक्चर में हम अपवर्तक या गुणनखंड किसे कहते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, महत्तम समापवर्तक अर्थात मास अर्थात एचसीएम क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे और साथ ही एचसीएम ज्ञात करने की विधियों की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो क्या है, अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक या गुणनखंड अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं। डेफिनेशन लिखी गई है, पहले आप इसे जरा ध्यान से देखिए। यदि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, मतलब दो ठो संख्याएं रहे उसमें पहली संख्या दूसरी वाली संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे मतलब काट दे, तो पहली संख्या को जिसने काटा था दूसरी संख्या का जिसको काटा गया था उसका क्या कहते हैं, अपवर्तक या गुणनखंड करते। इन सिंपल वे सरल मैनर में अगर आप इसे समझें तो एक संख्या ये एक संख्या ये, यदि ये वाला इसको काट रहा है तो ध्यान दे इसको इसका अपवर्तक या गुणनखंड करते। अगर नहीं समझ में आए तो छोटा सा एग्जांपल पहले देते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 2 और हमारे पास है 4, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन किसको काटेगा तो आप कहेंगे कि 2 जो है वो 4 को काटेगा। ठीक है, 2 4 को काट देगा, 2 4 को विभक्त कर देगा, इसका मतलब 2 अपवर्तक या गुणनखंड है किसका, 4 का। यही आपको यहां समझाया गया, मतलब जो संख्या किसी दूसरे संख्या को काट दे रही है तो यह वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड या फिर अपवर्तक बोली जाती है। कुछ और एग्जांपल से हम इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहां 2 लिखा है कि यह संख्या है, अब अगर इसका गुणनखंड फाइंड करना है तो हम यही जानेंगे ना कि इसको कौन काट सकता है, इसको कौन विभक्त कर सकता है। तो सबसे पहला नंबर जो होगा वह 1 होगा, क्योंकि 1 का पहाड़ा पढ़ोगे यह जरूर आएगा। और एक बात ध्यान दे, सभी संख्याओं के गुणनखंड या अपवर्तक 1 जरूर होता है। इसका पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, जो इसको काट सकता है। और इसको कौन काट सकता है, स्वयं 2 भी इसको काट सकता है, तो 2 से भी ये कट जाएगा, इसका दूसरा गुणनखंड 2। अब इसे कोई नहीं काट सकता, इसलिए 2 के कितने गुणनखंड होंगे, 2, एक 1 होगा और एक 2 होगा। 4 को कौन काटेगा, 1 तो जरूर काटेगा, और कौन काटेगा, 2 भी काट देगा, और कौन काटेगा, खुद 4 अपने आप को काट देगा। इसलिए 4 के गुणनखंड क्या है, 1 2 4। फिर 18 को कौन काटेगा, पहले तो 1 काटेगा, फिर 2 9 18, 2 भी काट देगा, 3 6 18, 3 भी काट देगा, 6 3 18, 6 भी काट देगा, 9 2 18, 9 भी काट देगा, और 18 1 18 18 भी स्वयं को काट देगा। अर्थात 18 की गुणनखंड क्या है, 1 2 3 6 9 और 18। 36 के गुणनखंड, सबसे पहले 36 को काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 का पहाड़ा 12 बार पड़ेगा तब भी 36 आ जाएगा, 4 का पहाड़ा 9 बार पड़ेगा तब भी 36 आ जाएगा, 6 का पहाड़ा 6 बार पड़ेगा तब भी 36 आ जाएगा,
उसके बाद फिर 9 का पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे तब भी 36 आ जाएगा, फिर 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 36 आ जाएगा, फिर आप 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप खुद 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 36 आ जाएगा। तो 36 की ये सभी गुणनखंड है या ये सभी अपवर्तक है। देखिए 72 ऊपर काटेगा 1 और 2, ठीक है, 3 भी काटेगा, 24 से 72 होता तो 3 का पहाड़ 24 बार पढ़ोगे कट जाएगा, ठीक है। और 72 को कौन काटेगा, 4, 18 चौका 72 मतलब 4 का पहाड़ 18 बार पढ़ लिए। और 72 को कौन काटेगा, 6, 6 का पहाड़ 12 बार पढ़िए। और 72 को कौन काटेगा, 8, क्योंकि 8 नवा 72 होता है। और कौन काटेगा, 9, और कौन काटेगा, 12, फिर उसके बाद 18 काटेगा 72 को, ठीक है, उसके बाद 24 काटेगा 72 को, उसके बाद 36 काट देगा 72 को, ठीक है, और उसके बाद खुद 72 काट देगा। तो ये सब 72 के गुणनखंड है या फिर 72 के अपवर्तक है, ये याद रखिए, आगे बहुत ही काम देगा, ठीक है। चलिए आपने अपवर्तक या गुणनखंड की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अगर कोई सी बात आपको दिक्कत देती है समझने में तो वीडियो को फिर से देख लिया करें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो बात आपको जरूर समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, समापवर्तक कॉमन फैक्टर, हमने पढ़ा अभी फैक्टर, अब हमको पढ़ना है कॉमन फैक्टर, मतलब समापवर्तक। समापवर्तक का अर्थ क्या है, समान अपवर्तक, समापवर्तक का अर्थ समान अपवर्तक, मतलब दो संख्याओं का अपवर्तक निकाला जाएगा उसमें जो समान होगा वही समापवर्तक होगा। जैसे 12 का अपवर्तक क्या होगा, सबसे पहला तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर स्वयं 12 होगा। 16 का अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, फिर स्वयं 16 होगा। अब अगर इन दोनों का समापवर्तक लिखा जाए, समापवर्तक किसका, 12 और 16 का, तो क्या समान है, तो सबसे पहला तो 1 है तो समापवर्तक 1 हो गया, फिर क्या समान है, 2 समान है, समापवर्तक 2 हो गया, फिर क्या समान है, यहाँ 4 है और उसमें भी क्या है, 4 है, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, 4। इसके अलावा कुछ समान दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 12 और 16 का समापवर्तक क्या होगा, 1, 2 और 4। आई थिंक आपको समापवर्तक की भी परिभाषा अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो चलिए अब हम महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझेंगे। देखिए महत्तम समापवर्तक को संक्षिप्त में मतलब छोटे रूप में क्या लिखते हैं, तो महत्तम का म और समापवर्तक का स लिखा, तो क्या बना, म स। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि म स का क्या अर्थ होता है, तो म का अर्थ होता है महत्तम और स का अर्थ होता है समापवर्तक, ठीक है। और इंग्लिश में इसे HCF कहते हैं, देखिए हाईएस्ट का एच, कॉमन का सी और फैक्टर का एफ। तो महत्तम समापवर्तक को संक्षिप्त में हिंदी में मस और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को संक्षिप्त में इंग्लिश में आप HCF करेंगे, ये और का मतलब होता है या, उसे आप GCF भी कह सकते हैं। अब GCF का मतलब क्या हुआ, जी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट और सी का मतलब होता है कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर, हाईएस्ट का भी मतलब महत्तम बड़ा से बड़ा और ग्रेटेस्ट का भी मतलब महत्तम बड़ा से बड़ा, ठीक है। तो आप चाहे CF बोलिए चाहे GCF बोलिए, ठीक है। चलिए तो इनकी चर्चा हो गई कि क्या बोले जाते हैं। अब डेफिनेशन बहुत ही सरल शब्दों में,
बहुत ही छोटे शब्दों में हमने या छोटे वाक्यों में इसकी डेफिनेशन बताई। देखिए क्या है, महत्तम समापवर्तक अर्थात सबसे बड़ा समान अपवर्तक या गुणन। देखिए अपवर्तक और समान अपवर्तक अभी अभी हमने समझा था। अपवर्तक वह होगा जो किसी संख्या को काट देगा, तो जिसको काट देगा उसी का यह क्या होगा, अपवर्तक होगा। और अगर दो संख्याएं हैं तो उन दो संख्याओं के अपवर्तक निकालिए जो उनमें समान आ जाएंगे, समान अपवर्तक हो जाएंगे। और समान अपवर्तक में जो सबसे बड़ा अपवर्तक हो जाएगा वो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। चलिए जैसे अगर हमें 16 और 24 का लॉ समझना है इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाकी किस विधि से कैसे निकालेंगे वो सब चर्चा तो होगी। डेफिनेशन से समझना है, परिभाषा समझना है कि 16 और 24 का महत्व क्या होता है। तो ध्यान दें, पहले 16 और 24 का आप गुणनखंड लीजिए, अपवर्तक लीजिए। अब चूंकि डेफिनेशन लिखा है महत्तम समापवर्तक, तो अपवर्तक में कैसा अपवर्तक लेंगे, समान अपवर्तक, मतलब ऐसे गुणनखंड जो दोनों को काटे वही तो समान अपवर्तक होंगे। तो 16 और 24 को कौन कौन काटेगा, सबसे मतलब 16 और 24 को ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को काट सके, तो पहला तो एक है, दूसरा दो भी दोनों को काट देगा, तीसरा चार भी दोनों को काट देगा, चौथा आठ भी दोनों को काट देगा, फिर आठ के बाद ऐसा कोई संख्या नहीं आ रहा है जो दोनों को काट दे, 12 आएगा, 24 काटेगा, 16 को नहीं काटेगा। तो इसका मतलब 16 और 24 को काटने वाले कुल कितनी संख्याएं हैं, चार हो, पहला एक है, दूसरा दो है, तीसरा चार है, चौथा आठ है। तो ये एक जो है इसको और इसको काटा, तो एक गुणनखंड इसका भी है और इसका भी है, या एक जो है अपवर्तक इसका भी और इसका भी है, दो जो है इसका और इसका भी अपवर्तक है, तीन भी इसका और इसका अपवर्तक है, चार भी इसका इसका अपवर्तक है, इसके अलावा भी इनके अपवर्तक होते हैं, लेकिन ये जो चारों हैं ये समान अपवर्तक है क्योंकि दोनों को काट रहे हैं। तो इन समान अपवर्तक में सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे बड़ा वाला तो आपके सामने नजर आएगा कि वह आठ। तो इसका मतलब 16 और 24 का जो मास होगा वो कितना होगा, आठ। तो इस तरह से मास फाइंड करते हैं, एक्सियम इस तरह से फाइंड करते हैं। आप ऐसे ही सोच लिया करो, वह बड़ा से बड़ा कौन सा पहाड़ा है जो दोनों को काट सकता है, आठ काट तो चार भी सकता है, लेकिन क्या चार सबसे बड़ा वह पहाड़ा, नो आठ। ऐसे एक और एग्जांपल, 24 और 36, तो 24 और 36 को कौन कौन काट सकता है, भाई तीन काटेगा, भाई चार भी काट देगा, छ भी काट देगा, उसके बाद 12 भी काट देगा, तो क्या 6 इसका मासा होगा, क्या 4 इसका मासा होगा, नहीं, नहीं, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, सबसे बड़ा वाला जो है वो 12 है, 12 इसको भी काट दे रहा, उसको भी काट दे रहा, और 12 से बड़ा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट दे, तो 12 ही इनका क्या होगा, मासा। मतलब इनके अपवर्तक समान अपवर्तक में सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन है, 12। वैसे तो एक समान अपवर्तक है दोनों का, दो भी समान अपवर्तक है दोनों का, तीन भी समान अपवर्तक है दोनों का, चार भी समान अपवर्तक है दोनों का, छह भी समान अपवर्तक है दोनों का, ठीक है, उसके बाद 12 भी समान अपवर्तक है दोनों का। तो कौन सा 12 के बाद 12 आएगा आपका, ठीक है, समान अपवर्तक है दोनों का, तो कौन सा इन सब में सबसे बड़ा है, जाहिर सी बात है 12, तो 12 जो होगा इन सबका क्या होगा, मासा। आई होप कि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये था मासा की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब हमने यहां हेडिंग डाला है मासा ज्ञात करने की विधियां, मासा ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, कितनी विधियां होती हैं एचसीएफ फाइंड करने की, मासा ज्ञात करने की कुल कितनी विधियां होती हैं। तो हमने देखी यहां लिखा मासा और उनकी विधियों को इस तरह से हमने आपको दिखाया। पहली विधि अपवर्तक विधि, अपवर्तक विधि से आप मासा निकालेंगे। दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरा भाग विधि।
तो मासा निकालने की हमारे पास कुल कितनी विधि है? तीन। अपवर्तक विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। इसके पहले हमने लस हजम निकालना आपको सिखाया था, तो उसकी चार विधि आपको बताया। सबसे पहला गुणज विधि था, दूसरा भाज्य गुणनखंड विधि था, तीसरा आपका भाग विधि था, और चौथा इंटरेस्टिंग था जो कि वैदिक विधि था। तो अब मासा ज्ञात करने की हमारे पास में तीन विधियां हैं। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब इन तीन विधियों की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अपवर्तक विधि से मासा कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा कैसे निकालते हैं और भाग विधि से मासा कैसे निकालते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।